नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है। शुरू में हमारा ऑडियो थोड़ा कटा हुआ था तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमने इसी टॉपिक को लिया था लेकिन इंटरनेट के स्लो होने के कारण आपको मिल नहीं पाया वीडियो और मैंने उसको डिलीट कर दिया था। इस बार मैं फिर से अभी इंटरनेट कनेक्शन ठीक करवा दिया मैंने और आज हम फिर से यही टॉपिक कर्म के नियम कर्म के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है अध्याय 4 भगवद्गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 17 से जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इसका अनुवाद है कर्म के बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दो बातें बताई जा रहे हैं यहाँ पर। पहला बात यह है कि कर्म के गति को समझना, कर्म के नियमों को समझना बहुत कठिन है और इसके बारे में हम कुछ स्टोरीज भी बताएंगे आपको श्रीमद् भागवत पुराण से और महाभारत से। और दूसरा पार्ट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया, कर्म तीन प्रकार के हैं। जनरली हम लोग यही सुनते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो और कर्म करना श्रेष्ठ है, जैसे भगवद्गीता के श्लोक उद्धृत करते हैं लोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। लेकिन जरूरी पॉइंट ये आती है तो कर्म क्या है फिर। यहाँ पर कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं तो इन तीन प्रकार के कर्मों को पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करना है हमको। तीन प्रकार के कर्म कर सकते हैं, कौन से कर्म करने से हमारा पूरा फायदा होगा, कौन से कर्म करने से आधा फायदा होगा और कौन से कर्म करने से हमारा नुकसान होगा। तो इस सब का चर्चा आज हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। तो उससे पहले कुछ उदाहरण लेंगे श्रीमद् भगवद गीता पहले तो महाभारत से उदाहरण लेंगे हम। महाभारत में पहला उदाहरण है भीष्म देव का, जिसमें जब भगवान कृष्ण भीष्म देव से मिलने आए थे, जब भीष्म देव बाणों के शैया पे लेटे हुए थे और युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद पांचों पांडव को लेकर के भीष्म पितामह के पास आए और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह से जिज्ञासा करने का पूछा भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत ही वृद्ध थे, बहुत ही अनुभवी थे और धर्म के विषय में जानते थे। भीष्म पितामह किसी कारण से दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा, उनके प्रतिज्ञाओं का कारण से, और दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए वे बंधे हुए थे। लेकिन अंदर से, हृदय से वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। वो जानते थे कि कृष्ण ही परब्रह्म है, भगवान है, पुरुषोत्तम है। तो अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले कि वे भीष्म पितामह से प्रश्न पूछें। तो भीष्म पितामह से जब धर्म के बारे में पूछा तो भीष्म पितामह ने अनेक वर्णों का और अनेक आश्रमों का सारे कर्तव्य बताए, एक आदर्श राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, अपने प्रजा को किस प्रकार खुश रखना चाहिए, धर्म की स्थापना करनी चाहिए और एक आदर्श प्रजा कैसे अपने राजा को प्रेम करे, कैसे राजा की बात सुने। ये सारी चर्चाएं करने के बाद फिर भगवान कृष्ण से एक जिज्ञासा किया भीष्म पितामह ने कि मैं तो अपने पिछले 50 जन्मों का याद मुझे है, पिछले 50 जन्म याद है मेरे को और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि मैं इस कष्ट, बाणों के शैया के कष्ट को क्यों झेल रहा हूँ। मेरा कौन सा कर्म के कारण मैं इस, कौन से पाप के कारण इस भयंकर कर्म को झेल रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया कि आपको केवल 50 जन्म याद हैं
लेकिन उससे भी पहले के जन्म की बात है कि तुमने तुम एक राजा थे और तुम्हारे अब तुम सेना को लेकर के कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में सैनिकों ने एक सांप देखा और आपको पूछा कि क्या किया जाए इस सांप को। तो आपने दयावश उस सांप को ना मारते हुए उसको फेंके जाने का, झाड़ियों में उठा के फेंकने का निर्णय लिया आपने। तो ये तो आपका अच्छा गुण था, आपका करुणा था। लेकिन जब उस सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया था तो गलती से वो कांटों के झाड़ियों में जाके गिरा। उन झाड़ियों के बीच में कांटे थे और वो सांप उन कांटों के झाड़ियों में गिर करके कांटा चुभता उसको और वो वहाँ से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही ज़्यादा कांटों में फंसता जाता है और उसको बहुत ही कष्ट होता है उस सांप को। तो उस कर्म के कारण, उस कर्म का फल इस जन्म में आज तुमको भुगतना पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों, कब वो कर्म का फल हमें प्राप्त होगा, कब उसको भुगतना पड़ेगा, इसका कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक और कहानी है मंडक ऋषि का। एक बार एक राज्य में कई चोर जो हैं सिपाहियों से भाग रहे थे, तो सिपाही चोरों के पीछा कर रहे थे और वो चोर भागते भागते एक बहुत बड़े मैदान, खुले मैदान के पास पहुंच गए जहां पे जंगल ख़त्म होती है। तो वहां पे छिपने का कोई स्थान नहीं था, तो उन्होंने देखा पास में एक आश्रम है और आश्रम में एक मुनि, एक ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो वह सब चोरों ने भी अपने शरीर पर भस्म लगा के, तिलक लगा के, वो भी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, ढोंग करे, नाटक करने लगे कि हम भी यहाँ पे साधु हैं। तो जैसे ही सिपाही पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने देखा सामने खुला मैदान है और चोर तो मैदान में नहीं दिख रहे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इधर आसपास ही होंगे। और जब देखा कि यहाँ पास में एक आश्रम है और आश्रम में कई सारे साधु तपस्या कर रहे हैं, तो सिपाहियों ने यही निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर ये सब चोर ही हैं, यहाँ पर भेष बदल के ध्यान करने का ढोंग कर रहे हैं, गिरफ्तार करो इन सबको। तो सिपाहियों ने सब चोरों को गिरफ्तार किया और चोरों के साथ उस साधु को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम था मंडक ऋषि, मंडक मुनि। उन सभी को राजा के समक्ष लेके आए और राजा ने बोला कि इन सबको दंड दिया जाए, सूली पे चढ़ाया जाए, इनको बहुत विशाल कांटे या बहुत विशाल सूली के ऊपर बिठाया जाए और मृत्यु दंड दिया जाए। तो सभी को सूली पे बिठाया गया और सभी को कष्ट हो रहा है, बहुत ज़ोर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं सभी लोग। सूली का मतलब है कि पीछे से आपके गुदा से, मल द्वार से एक कांटे के ऊपर बिठाया जाता है और वो आपके पूरे शरीर के भेदते हुए आपके सिर से बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार का दंड दिया गया उन चोरों को। तो सभी चोर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब उस असली संत को, असली साधु को बिठाया गया तो वो तो समाधि में थे, ध्यान मुद्रा में थे, उन्हें कोई होश नहीं था, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तो जब राजा ने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये असली में संत है, ये तो ये समाधि अवस्था में है और ये बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से, तब उन्होंने क्षमा मांगा और वो संत जो है मंडक ऋषि वापस आ गए, अपने होश में आए और देखे कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं आश्रम में था, अभी ये मैं बंदी गृह में कैसे पहुँचा हूँ और ये क्या है, मेरे शरीर को किस क्या कर रहे हो तुम लोग। उसको होश आया बाहर, समाधि भंग हो गया उसका। तो राजा माफ़ी मांगे उनके चरण पढ़ के कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और सारा कहानी बताया कि इस प्रकार से चोर जो हैं आपके आश्रम में छिप गए थे, तो आपको भी गलती से हमने चोर समझ के दंड दिया, हमें क्षमा कीजिए। तो मुनि ने बोला ठीक है, आपका कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन इसके पीछे यमराज जी दायित्व, यानी यमराज जी रिस्पॉन्सिबल है, दायित्व यमराज जी का है। तो इसीलिए मंडक ऋषि यमलोक गए यमराज जी के पास, और इतने शक्तिशाली थे और यमराज जी से जाके जिज्ञासा किए, बोले मुझे इस प्रकार का दंड क्यों दिया गया जब मेरा कोई गलती नहीं है, मैं बचपन से आज तक कोई पाप नहीं किया हूँ, इस प्रकार का गलती, इस प्रकार का सजा क्यों दिया गया, ये गलत अन्याय है ये। तो महाराज यमराज जी
भगवान के शुद्ध भक्त, महान भक्त हैं, एक 12 महाजनों में से एक हैं। तो यमराज जी ने बोला, निश्चित आपने कुछ कर्म किया है जो आपको शायद याद ना हो। बिना कोई कर्म किए कोई फल, मतलब कोई सजा नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने बोला, नहीं, मेरे को तो याद है, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया इस जन्म में। तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त जरा मंडक ऋषि का फाइल देखिए, उनके फोल्डर में क्या क्या लिखा है, क्या कर्म किए हैं। तो चित्रगुप्त ने फाइल खोला और बचपन की बात है, जब वो 3 या 4 साल के थे, उस समय बचपन में खेल खेलते हुए एक कीड़े को ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, एक पतंगा है, उसका शरीर पतला सा है हेलीकॉप्टर के जैसे, और उसके 4 पंख होते हैं, 2 पंख इधर 2 पंख इधर, और वो बहुत जल्दी ऐसे फड़फड़ाता है और उड़ता है, पानी के पास रहता है। तो बचपन में मंडक ऋषि ने एक ड्रैगन फ्लाई, जो वो कीड़ा था पतंगा, उसको पकड़ के उसके साथ खेल रहे थे, और खेल खेल में उन्होंने एक कांटा लिया और उसके पिछवाड़े में वो कांटा चुबा दिया। तो चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज, इनका ये गलती का ये सजा उनको मिला है। तो मंडक ऋषि को बहुत गुस्सा आया, बोले, मैं तो बच्चा था उस समय, 5 साल से छोटा था, मेरे को कोई होश नहीं था, क्या सही है क्या गलत है, उसका भी दंड दोगे तुम मेरे को? तो यमराज जी बोले, हाँ, कर्म के नियम बहुत ही कठोर हैं, आप चाहे जाने आप चाहे ना जाने, आपने यदि गलती किया है उसका दंड आपको मिलेगा। तो मंडक ऋषि बहुत क्रोधित हुए और यमराज जी को श्राप दिए, बोले, तुम कुछ नहीं जानते हो न्याय के विषय में, जाओ तुम शूद्र बन जाओ, शूद्र परिवार में तुम्हारा जन्म हो। तो महाराज यमराज जी ने हाथ जोड़ के बोला, जैसी भगवान की इच्छा, आपका आशीर्वाद मान के हम स्वीकार करते हैं इसको। उन्होंने विचलित नहीं हुए और फिर अगले जन्म में वो विदुर के रूप में आए, कौरवों के कुरु राष्ट्र के परिवार में विदुर के रूप में आए और पांडवों का रक्षा किया, उनको सही नीति सिखाई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कर्म के विषय बहुत ही गहन है, कर्मों को समझना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा एक उदाहरण है, हाँ, तीसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण से है, राजा नृग कहानी। राजा नृग, तो एक राजा थे जो बहुत ही दानी थे और हमेशा वो ब्राह्मणों को गाय दान देते थे, सोना दान देते थे। तो एक दिन उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय दान में दिए। उसके बाद 2 ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा का विषय ये था कि ये मेरा गाय है, तुमने इसको कैसे लिया? और दूसरा ब्राह्मण ने बोला, नहीं, राजा ने खुद मेरे को ये गाय दिया, ये मेरा गाय है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब पता लगाया तो पता चला कि एक ब्राह्मण को दिए हुए गाय जो थे उसमें से एक गाय वापस आके दूसरे गायों के झुंड में मिल गई और राजा को पता नहीं था। तो राजा ने फिर से अगले ब्राह्मण को जब दान दिया तो उसी झुंड में से वो दिया हुआ गाय भी किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब दोनों ब्राह्मण उस गाय को पहचान के, दोनों ब्राह्मण उस गाय को पहचान के अपना गाय मान के आपस में झगड़ रहे हैं। तो राजा ने एक ब्राह्मण को प्रस्तावना दिया कि महाराज, आप इस गाय को छोड़िए, मैं इस गाय के बदले आपको 1,000 और गाय दूंगा, आप इस गाय के लिए झगड़ा मत कीजिए। लेकिन दोनों ही राजाएं अड़िग रहे, नहीं, मेरे को यही गाय चाहिए, ये मेरी गाय है, मैं इस गाय को वापस नहीं करने को राजी नहीं हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि राजा सुलझा नहीं पाए दोनों की दिक्कत, तो ब्राह्मण दोनों ही दुखी थे। तो इसके बाद राजा ने अपना कर्तव्य किया, अपना कर्तव्य निभाया, अपना जीवन बिताया, और जब उनकी देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो यमराज के पास उनको ले जाया गया और यमराज के सामने पेश किया गया। तो यमराज जी ने बोला कि महाराज नृग, आपके पुण्य तो असीम है, बहुत सारे पुण्य किए आपने, और उसके फल स्वरूप आपको स्वर्ग में बहुत सालों तक, अनेक सालों तक सुख भोग करने को मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में छोटा सा पाप है और बहुत ही कम पाप है वो, तो आप कौन सा फल पहला भुगतना चाहेंगे? क्या आप पहले अपने पाप के फल को भुगतना चाहेंगे या पहले आप स्वर्ग जाके अपने पुण्य फल को भुगतना चाहेंगे?
तो राजा हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरे पाप का फल तो बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो चलो पहले इसी से इसको निपटा लेता हूँ, अपने पाप फल को भुगत लेता हूँ, उसके बाद मैं निश्चिंत होकर स्वर्ग में सुख भोग करूँगा। तो उन्होंने अपना पाप फल मांगा पहले, और यमराज जी ने बोला, तथास्तु राजा नृग, तुम्हारे पाप के कारण तुमने एक ब्राह्मण का वस्तु छीन लिया और उसको वापस ले लिया, दिया हुआ दान तुमने वापस लिया है ब्राह्मण से, तो इस पाप के सजा में तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तो महाराज नृग जो हैं अगले जन्म में गिरगिट बने, लेकिन उनके असंख्य पुण्यों के फल के कारण उनको भगवान कृष्ण का दर्शन भी प्राप्त हुआ। द्वारका के बचपन के, मतलब द्वारका के जितने बच्चे थे भगवान कृष्ण के, वो सब खेल खेल रहे थे एक बार, और खेल खेलते हुए पास में एक कुआं था, उस कुएं में उनका गेंद गिर गया, तो वे उस कुएं से अपने गेंद को निकालने के लिए गए, लेकिन देखा कि बहुत ही गहरा कुआं है और उसमें एक नृग, राजा नृग जो है एक गिरगिट बन करके रह रहे हैं उस कुएं में। तो तब उन्होंने भगवान कृष्ण को, अपने पिताजी को बुलाया, ये बोल के कि पिताजी आइए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक गिरगिट है और ये फंसा हुआ है इस सूखे कुएं में, तो इसका उद्धार कीजिए। तो भगवान कृष्ण आए और अपने योग सिद्धि से भगवान कृष्ण ने अपने हाथ को बढ़ाया और उनका हाथ बहुत ही लंबा हो गया और उस गिरगिट को जाके स्पर्श किया उसको निकालने के लिए, और जैसे ही भगवान कृष्ण का हाथ स्पर्श हुआ तो वो गिरगिट अपना रूप बदल के एक सुंदर देवता का रूप धारण किया। तो सभी बच्चे हैरान हो गए कि ये क्या है, ये तो एक गिरगिट था लेकिन बहुत ही सुंदर एक देवता है ये। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ गिरगिट बन के क्या कर रहे हैं। तब राजा नृग ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई, किस प्रकार से उनके कर्मों के कारण उन्होंने जो बहुत अच्छे कर्म किए, सुकृति किया, पुण्य कर्म किया, लेकिन गलती से एक पाप भी हो गया, ब्राह्मण उनसे रुष्ट हुए और उनका गाय जो है वापस छीन लिया राजा ने, तो इन कारणों से उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कर्म के जो गहना कर्मणोगति, यहाँ पर जो बताया गया है, कर्म अत्यंत कठिन है कर्मों को समझना। तो अभी हम तीन प्रकार के कर्म क्या हैं उसका चर्चा करेंगे अगला स्लाइड में। तो पहला है विकर्म। तीन प्रकार के कर्म हैं, पहला कर्म है विकर्म। विकर्म का अर्थ है पाप कर्म जो कि शास्त्रों के आदेशों के खिलाफ किए जाते हैं। कोई भी कर्म हम शास्त्रों के आदेश के खिलाफ करते हैं वो विकर्म के अंतर्गत मानी जाती है। तो हमारे क्या कर्म हैं, हर व्यक्ति चार वर्ण चार आश्रमों में भगवान कृष्ण ने विभाजित किया इस समाज को, मनुष्य समाज को। तो ब्राह्मण के एक स्पेसिफिक कर्म हैं, क्षत्रिय के अलग कर्म हैं, वैश्य के कुछ अलग कर्म बताए हैं और शूद्र के अलग कर्म हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन चार अवधियों में, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सभी आश्रमों का कर्म अलग अलग है। संक्षेप में इसको समझेंगे। ब्राह्मण का कर्म है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण जो है वेदों का अध्ययन करता है और दूसरों को वेदों का अध्ययन कराता है, ये ब्राह्मण का कर्म है। यजन याजन, ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करते हैं और दूसरों को भी यज्ञ कराते हैं, यजमान बनते हैं, दूसरों को यज्ञ कराते हैं। तीसरा है दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण दान स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा के लिए और दान देते भी हैं, जहाँ पर आवश्यकता है, भगवान का मंदिर बनना है या कोई बड़ा उत्सव या त्यौहार मनाया जाना है तो वहाँ पर ब्राह्मण अपने दान कोष से, अपने धन कोष से दान देता है और भगवान की सेवाओं को संपन्न करता है। तो ये हुए ब्राह्मण के कर्म। अब हो गए
ठीक है, उससे पहले मैं पहले ये विकर्म को खत्म करता हूँ। विकर्म का मतलब है कि जो शास्त्रों के खिलाफ, शास्त्र जो हमें बोले हैं करने को, जो हम अभी चर्चा करेंगे अगले पॉइंट में, जो है कर्म, वो सब के खिलाफ काम करना, यानी चार प्रकार के जो पाप बताए गए हैं, मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना और नशा करना, ये शास्त्रों में वर्जित हैं, मना है। तो यदि हम ये कार्य करते हैं, इसके अलावा और भी पाप हैं, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, हानि पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, चोरी करना, जितने भी गलत काम हैं जो शास्त्रों में मना किया गया है, गर्भपात करना, ये भी एक प्रकार की हत्या है। तो ये सारे कर्म जो हैं विकर्म के अंतर्गत आते हैं, जिनको पाप कर्म बताया गया है। तो इनका फल क्या है? हमें सजा मिलेगा, या तो नरक जाना पड़ेगा, या इसी जीवन में हमको कष्ट होगा, कर्म फल मिलेगा, या फिर अगले जन्म में इसका कर्म फल मिलेगा हमको। तो इन कार्यों से बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, विकर्मों से बचना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कर्म, जो कि थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे हम अभी। तो कर्म में हम चार वर्णों का कर्म बता रहे थे। पहला था ब्राह्मण का कर्म, हमने बताया, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। अब इसके बाद आता है क्षत्रिय का कर्म। क्षत्रिय का कर्म है प्रजा की रक्षा करना, धर्म का स्थापना करना, ब्राह्मणों के आदेश अनुसार समाज को शासन करना, चोरों को दमन करना, दंड देना और समाज में एक संतुलन बना के रखना, एक क्या बोलते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सारे नियम पालन हो रहे हो ठीक से। तो ये क्षत्रिय का कर्म है। वैश्य का कर्म है कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना। कृषि करके अनाज उत्पन्न करना, दाल चावल सब्जियां फल, और गाय रक्षा करके दूध दही मक्खन घी ये सब चीज़ों का उत्पादन करना, ताकि पूरे समाज को भरण पोषण हो सके। और यदि वो अधिक हो जाए, अपने इस्तेमाल के लिए जितना ज़रूरी है वो उतना अपने लिए रखे, और उससे यदि अधिक हो जाए तो फिर वो उसका व्यापार कर सकता है, वो ज़रूरतमंद को बेच सकता है और उसके बदले वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए खरीद सकता है। तो ये वैश्य का कर्म है। और शूद्र का कर्म है कि अपने मालिक के अधीन रह करके उसकी सेवा करना, अभी जो भी बताया गया उसको उसमें हेल्प करना उसको, और बदले में मालिक उसकी सारी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान ये सब पूरा कर देगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो इस तरीके से ये चार वर्णों के चार काम हैं, चार कर्म हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ण का कर्म को ठीक से करता है, ब्राह्मण होके ब्राह्मण के कर्म निभाता है, पाप नहीं करता, तो उसको स्वर्ग लोक जाने का अवसर मिलता है, पुण्य फल मिलता है उसको, जो राजा मृग प्रयास कर रहे थे पुण्य कमाने का। इसके बाद अगर कोई राजा धर्म रक्षा के लिए युद्ध करता है और युद्ध मैदान में शरीर त्यागता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वो भी स्वर्ग को जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्म को ठीक से निभा रहा था, यानी पुण्य कर्म, पुण्य लाभ कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म को फॉलो कर रहा है। यदि कोई वैश्य ठीक से व्यापार करता है, ठीक से अनाज उत्पन्न करता है और दान में देता है, ब्राह्मणों को, भक्तों को और समाज को खिलाता है, समाज को सेवा करता है, तो वो भी स्वर्ग जाता है, उसको भी पुण्य फल लाभ होते हैं अपने कर्म पालन करने से। और यदि कोई शूद्र अपने मालिक की ठीक से सेवा करता है अच्छे से, तो उसको भी सद्गति होती है, अगले जन्म में उसको और अच्छे कुल में और अच्छे घर में जन्म मिलेगा। और भगवान की भक्ति यदि करता है अपने कर्म करने के साथ साथ, तो उसको जन्म मृत्यु से भी मुक्ति प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ लोक को भी जा सकता है। तो इस तरीके से कर्म का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार बताए गए अपने कार्यों को फॉलो करना, और उसके नतीजा से उसको पुण्य मिलेगा और उसको स्वर्ग जाने का या और अच्छा अगला जन्म प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जैसे हम ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं और हमें अच्छी सैलरी मिलती है, उससे फिर हम हॉलीडेज मनाते हैं, हम एक महीने का टूर मनाते हैं, कहीं विदेश घूमते हैं, होटल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो पैसा जब ख़त्म होता है तो वापस आके दोबारा अपने ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो इसी तरीके से मनुष्य जीवन कर्म योनि है, यहाँ पे हम पुण्य कमा सकते हैं और उन पुण्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, उन पुण्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं अगले जन्म में सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, वो क्रेडिट है हमारे। तो ये हो गया कर्म के बारे में। तो चार वर्णों का हमने डिस्कस किया, चार आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम,
ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी का कर्म है गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करना, दान मांग के गुरु जी को लेके देना और शिक्षा ग्रहण करना, अपने इंद्रियों को दमन करना सीखना, ये स्टूडेंट लाइफ का कर्म है। यदि ब्रह्मचारी ठीक से करता है ये सब पालन तो उसको पुण्य लाभ होता है। यदि, और अगला है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न करना, उनको गुरुकुल भेज के कृष्ण भावना भावित बनाना और बाकी समाज को आश्रय देना। एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों को खिलाए, तीनों जो हैं गृहस्थ के ऊपर आश्रित हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी ये जीविका नहीं कमाते हैं, ये केवल भगवान की सेवा और तपस्या और आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं। तो गृहस्थ को थोड़ा सा सांसारिक सुख भोग करने का अवसर दिया गया, लेकिन साथ साथ में ये दायित्व भी दिया गया कि वो बाकी सभी आश्रमों का पालन पोषण भी करे। तो यदि गृहस्थ ठीक से इस कर्तव्य का पालन करता है, यानी अपने कर्म का पालन करता है, तो उसको भी बहुत पुण्य मिलता है स्वर्ग लोक जाने का, या जनलोक, महरलोक, तपोलोक, या तो भगवान के धाम भी जा सकता है, वैकुंठ भी जा सकता है, यदि भगवान की शुद्ध भक्ति भाव से करे। अगला है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है उसका कर्तव्य है घर संसार त्याग करके जंगल में जाना और जंगल में कठोर तपस्या करना, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग करके फिर से भगवान की खोज में लगना, कठोर तपस्या करना। और चौथा है संन्यास आश्रम। यदि वो फिर भी बचा रहा जिंदा तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना और भगवान के संदेश का प्रचार करना। तो ये चार वर्णों का चार काम है। अगर वो ठीक से करते हैं इन कामों को तो उनको पुण्य लाभ होता है, और उस पुण्य के फल स्वरूप अगले जन्म में अच्छे सुविधाएं मिल सकते हैं, स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकती है और उनका उन्नति हो सकता है। तो ये हो गया पाप और पुण्य का हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद तीसरा है अकर्म, जो भगवान गीता में ये तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं। अकर्म का मतलब है जो कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए किया गया है उसको अकर्म बोला गया है, और ये कर्म से अलग है। कर्म जो है वो शास्त्रों में हमारे कर्तव्य हैं, शास्त्र में जो हमें बोले गए हैं करने को वो हम कर रहे हैं, लेकिन भावना ये है कि मैं इनका भोग करूंगा, इस काम को करने से जो फल मिलेगा उसको मैं इंजॉय करूंगा। लेकिन अकर्म, अकर्म का मतलब क्या है? शास्त्रों में जो बताया गया कर्म है और भगवान की भक्ति, एक्चुअली शास्त्रों में हर जगह भगवान की भक्ति ही बताया गया, तो भगवान से प्रेम करना और मेरे जो भी कार्य हैं उनको भगवान की सेवा में समर्पित करना और उसका खुद उसका फल भोग ना करना, तो इसको बोलता है अकर्म। और इसका फल क्या है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम विकर्म करते हैं तो हमें नरक जाना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि हम कर्म करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, एंजॉय करेंगे। यदि हम अकर्म करते हैं तो इसका फल स्वरूप हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी को बोला गया कर्म योग या भगवान की भक्ति, यानी अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। ये भगवद्गीता 6ठे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, अपने कर्म फलों से अनाश्रित होके, अपने कर्म फलों के आसक्त ना होके आप कर्म कीजिए, आपके जो निर्धारित कर्म है उसको कीजिए, आप जिस भी वर्ण या जिस भी आश्रम के अंतर्गत आते हैं उन कर्मों को कीजिए, लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए कीजिए। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परपुमा विष्णु आराध्यते पुंसाम नान्य तत्तोषकारिणा। भागवत में बताया गया वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, अपने कार्यों को करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, यानी वर्णाश्रम का और कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य यही है कि भगवान को प्रसन्न करना। तो इसको अकर्म बोला जाता है फिर। तो ये इसको बोलते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान जो चाहे हमसे उस कार्य को करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी यहाँ पर अर्जुन का ही उदाहरण लेके समझें, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनका कर्तव्य था, उनका कर्म था कि वो युद्ध करे, धर्म की रक्षा करे, लेकिन कृपणता के कारण और उनका हृदय कोमल होने के कारण उन्होंने युद्ध करने से इनकार किया कि मैं अपने इस कर्तव्य को त्याग रहा हूँ, मैं इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहता हूँ। तो अपने लिए तो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, राज्य को भोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरी इच्छा है
कि तुम इस युद्ध को लड़ो, अधर्म का साथ मत दो, तुम धर्म को स्थापना करने के लिए अपने कर्म को करो। तो भगवान के कहने पर, भगवान के लिए अर्जुन ने वो युद्ध लड़ा और उस युद्ध का कोई भी कर्म फल अर्जुन को नहीं मिला। देखिए, इसको बोलते हैं अकर्म। भगवान की इच्छा से, भगवान के लिए कर्म करने से हम किसी प्रकार के कर्म बंधन से नहीं फंसते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यहाँ पर मान लो हम एक नौकर हैं, किसी कोई अमीर मालिक के घर में हम नौकर हैं, और मालिक बोलता है जाके मेरे बागान से कुछ बैंगन तोड़ के लाओ, आज बैंगन पकेगा रसोई में। तो मालिक के कहने पर हम जाके बैंगन तोड़ के लाए तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि मालिक चाहते थे। लेकिन यदि अपनी इच्छा से, मालिक के बिना मालिक के कहे और अपने खुद की इच्छा से हम बागान में जाके भिंडी तोड़ के लाएं या टमाटर तोड़ के लाएं या कुछ भी करें, घर से कुछ भी सामान उठाएं, तो उसका दंड मिलेगा हमको, वो चोरी माना जाएगा, क्योंकि मालिक की इच्छा नहीं थी, वो हमने अपनी इच्छा से की अपने फ़ायदे के लिए। इसी तरीके से जो भी कर्म भगवान के कहे अनुसार करते हैं हम और भगवान को देते हैं उसका फल, उसका कोई फल भागीदारी हम नहीं होते हैं, उसका कोई कर्म फल हमें नहीं लगता, बल्कि हमें कर्म फल से, बंधन से मुक्ति मिल जाती है, इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के नित्य सेवक के रूप में भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तीन जो कर्म, अकर्म और विकर्म, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा तो कर्म है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान तो बोले हैं कर्म करना। बिल्कुल बात सही है, लेकिन कर्म भी तीन श्रेणियों में आते हैं, तीन प्रकार के हैं, तो हमें सावधान होना पड़ेगा कि कौन से कर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति चोर है और उसको जब पकड़ा जाए और बोला जाए, भाई क्या कर रहे हो तुम, चोरी क्यों कर रहे हो, बोलेगा सर ये तो मेरा काम है, मेरे को अपने बीवी बच्चों को संभालना है, बचपन से पिताजी ने यही सिखाया मेरे को, ये तो मेरा पुश्तैनी कार्य है, मैं तो एक प्रोफेशनल चोर हूँ, मेरा प्रोफेशन ही चोरी है। तो ये तो गलत है ना, ये तो सरकार नहीं स्वीकार करेगी इसको। तो सरकार के अनुसार भी सही कार्य हैं, गलत कार्य हैं, और देश की सेवा है ना, तो देश की सेवा करने से व्यक्ति को बहुत प्रमोशन मिल जाता है। तो इसी प्रकार से विकर्म है, यानी पाप कर्म करना, जो हमने डिस्कस किया, मांसाहार करना, अपने स्वाद के लिए दूसरे जीवों को कष्ट देना, ये मना है, शास्त्रों में मना है और भगवान की आंखों में भी बहुत बड़ा पाप है ये। एक भाई दूसरे भाई को कैसे मार सकता है, सारे जीव जंतु तो हमारे भाई हैं, सभी तो जीव आत्मा ही हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त होने के कारण वे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है वो सभी जीव भगवान के संतान। पिछले जन्मों में हम भी हो सकता जानवर थे, या हो सकता अगले जन्मों में अपने कर्मों के अनुसार हमें भी जानवर बनना पड़े। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों से समझना चाहिए इस ज्ञान को और पाप से बचना चाहिए। तो पहला, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। भगवान ने सुविधा दिया है, यदि आप भोग करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, आप विवाह संस्कार से पति या पत्नी स्वीकार कर सकते हैं और शास्त्रों के अनुसार उनका संग कर सकते हैं, उससे संतान उत्पन्न कर सकते हैं और उस संतान को योग्य शिक्षा दे करके उसको एक भक्त बनाएं भगवान का, उसको जन्म मृत्यु चक्र से कैसे मुक्त होने वो सब ज्ञान सिखाएं, तो वो भी पुण्य में माना जाएगा, उससे आपका अच्छा गति मिलेगा, आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन यदि हम इस नियम को पालन नहीं करते हैं, शादी होने के बाद भी हम किसी और से मिलते हैं, दूसरों का संग करते हैं, तो इसके कारण अनेक कष्ट मिलते हैं, हमारे घर में ही झगड़े होते हैं, हमारे समाज में झगड़े होते हैं, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, मानसिक कष्ट होता है, और इसके अलावा तो पाप है ही, यमराज जी इसका दंड भी देंगे। तो बचना चाहिए, इन विकर्मों से बचना चाहिए। तीसरा है नशा करना, नशा नहीं करना चाहिए, ये विकर्म है। और चौथा है जुआ खेलना, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सरल बातें हैं, इसका पालन करना चाहिए हमको। और आगे अगले श्लोक में भगवान यहाँ बता रहे हैं, एक मिनट, कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति।
सॉरी, ये तो 17 श्लोक है, हमें अभी 18वें श्लोक में जाना है। एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, 18वां श्लोक अभी मैंने मिला नहीं मेरे को, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो बेसिकली 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर्म अकर्मणीय पश्येत अकर्मणी च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देख पाता है और जो अकर्म में कर्म देख पाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और वही व्यक्ति सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वो व्यक्ति मेरे से जुड़ा होकर के कर्म करना सीख चुका है। तो इसका अर्थ क्या है? कर्म अकर्म या पश्येद, जो जो हमने विकर्म का सॉरी हमने जो अकर्म का चर्चा किया था, तीसरा जो ऑप्शन था अकर्म, अकर्म का अर्थ है कि व्यक्ति तो काम कर रहा है, शरीर से कर्म कर रहा है, लेकिन उसको कर्म फल नहीं मिल रहा, उसको अकर्म माना गया है। तो कर्म अकर्म या पश्येद, जो कर्म में अकर्म देख पाता है, इसका मतलब जैसे भगवान के भक्त लोग हैं, भगवान के लिए अनेक काम करते हैं, सुबह से शाम तक अनेक सेवाएं करते हैं, और इसमें संसार के बहुत सारे साधनों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सभी भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के सेवा के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, उसका फल वो स्वयं से नहीं रखते हैं, भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। तो कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन से नहीं बंध रहे हैं, बल्कि वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कर्म में अकर्म को देखना, यानी भक्त लोग मेहनत तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कर्म फल उनको नहीं लग रहा, उनको बंधन का कारण नहीं बन रहा है। तो ये पहला पॉइंट है कर्म अकर्म या पश्येद, और दूसरा पॉइंट है अकर्मणि च कर्मया। दूसरा भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि अकर्म में जो कर्म देख पाता है। अब इसका उदाहरण है कई सारे, जैसे कर्म संन्यास लेते हैं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि कर्म जो है बंधन का कारण है, इसलिए मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, अच्छा काम भी नहीं करूँगा, बुरा काम भी नहीं करूँगा, मैं खाली बस मौन व्रत धारण करूँगा और मैं तपस्या करूँगा, एकांत में बैठा रहूँगा। तो इस प्रकार से अगर कोई करता है लेकिन फिर भी वो कर्म बंधन में फंस रहा है, जब तक वो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करे, जब तक भगवान की सेवा स्वीकार ना करे, तब तक वो फिर भी कर्म बंधन में फंस रहा है, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं अकर्मणि च कर्मया। कैसे समझें इसको? तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धियेद कर्मणा। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, बिना काम किए कोई भी नहीं रह सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना शरीर का रक्षा नहीं किया जा सकता, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो मान लीजिए यदि मैं हिमालय जाके एकांत में बैठता हूँ, या फिर मैं कर्म संन्यास लेता हूँ कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊँगा मैं, तो फिर भी मुझे सांस लेना पड़ रहा है, और सांस लेने के साथ साथ अनेक कीटाणु जा रहे हैं, मर रहे हैं मेरे शरीर में जा करके, वो भी तो कर्म है, पाप कर्म हो रहा है मेरे से। मैं कहीं पैदल जा रहा हूँ, मेरे पैरों के नीचे चींटी कुचल रही हैं, वो भी कर्म है, पाप कर्म हुआ मेरे से। मैं रोज़ भोजन खा रहा हूँ, भोजन खाना भी एक प्रकार का कर्म है, और मैं बहुत सारे चिंतन कर रहा हूँ, चिंतन करना भी एक क्रिया है, वो भी एक कर्म है। तो इन सब कर्मों के कारण हमारी आसक्ति कहीं ना कहीं इस संसार में बनी रहेगी। फिर भी आसक्ति को भगवान में डालने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की सेवा करना। यदि हम इस प्रकार से निष्ठुर होकर बैठ निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, उससे भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, अगले जन्म में पेड़ बन के आएगा, ये शास्त्र में बताया गया। जो व्यक्ति इस प्रकार से शून्य पे ध्यान लगाने का इच्छा करता है, तो वो अगले जन्म में पेड़ बन के आता है, वो निष्क्रिय बन के आ जाता है, या फिर पत्थर बन के आता है। तो अकर्म ऐसे दिखता है कि वो कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन अकर्म में भी कर्म दिख रहा है हमको, कि नहीं, वो कर्म बंधन में अभी भी बंध रहा है, फंस रहा है वो। जब तक भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो कर्म बंधन में फंसता ही रहेगा, हमेशा फंसता रहेगा। ये भगवद गीता का निष्कर्ष है। तो इसलिए अकर्मणि च कर्मया, जो व्यक्ति
अकर्म में कर्म देखता है, यानी बाहर से तो कोई काम नहीं कर रहा, वो बाहर से वो ऐसे लगता है कि वो कुछ कर्म नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से काफ़ी सारे कर्म कर रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, या फिर वो सांस ले रहा है, वो पैदल जा रहा है, तो इससे कीटाणु मर रहे हैं, जीव मर रहे हैं, तो ये सब कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा उसको। लेकिन भक्तों के केस में, क्योंकि वो भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा है, भगवान के आश्रय में रह कर कर रहा है, तो उसको कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होगा, वो कर्मफलों से मुक्त होगा, भगवान के प्रिय होगा, और भगवान उसको इस कष्टदायक संसार से मुक्ति दिला करके अपने धाम वैकुंठ धाम को वापस ले जाएंगे। इस संसार को बनाया ही इसी प्रकार से है कि व्यक्ति कदम कदम पे कुछ ना कुछ गलती करेगा। जैसे युद्ध के समय पहले तो होता था, युद्ध के समय ज़मीन के नीचे बॉम्ब्स बिछाए जाते थे, उसको माइंस बोलते हैं, माइंस, और जब सैनिक उस भूमि से जाते थे तो वो बम फटते थे और उनको घायल करते थे। तो ये संसार बनाया इस प्रकार से है कि कदम कदम पे कुछ ना कुछ गलती होगा हमसे, कदम कदम पे कुछ ना कुछ पाप होगा हमसे, ना चाहते हुए भी। तो कर्म बंधन से बचने का एकमात्र ही उपाय है भगवान की आश्रय स्वीकार करना और भगवान की सेवा करना, जिस प्रकार अर्जुन ने किया। अर्जुन ने बहुत महान युद्ध लड़ाई किया, लेकिन उससे कोई कर्म बंधन नहीं हुआ, बल्कि वो कर्म बंधन से मुक्त हुआ उस युद्ध को लड़ने से। तो हमें भी इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है, भगवान कृष्ण के आश्रय लेना है, शरण लेना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवान कृष्ण अंत गीता के अंत में स्पष्ट बताए हैं, हे अर्जुन, तुम्हें जो भी कर्म, तुम्हें जो भी लगता है कि ये मेरा धर्म है, उसको भूल जाओ, एकमात्र मेरी शरणागति लो, मैं जो बोलूँगा वो काम करो, तो तुम सभी अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर तुम्हें लगता है कि पाप हो भी रहा है, तो भी मैं दायित्व ले रहा हूँ कि मैं तुमको पापों से उद्धार करूँगा और तुमको मुक्ति दिलाऊँगा, डरो मत। तो वही उदाहरण है, जैसे मान लो अगर मालिक बोलता है बैंगन तोड़ के लाओ, और हम बोलते हैं मालिक लेकिन बैंगन तोड़ूंगा तो को आप गुस्सा हो जाएंगे, नहीं, मैं बोला खुद बोला जाओ बैंगन तोड़ के लाओ, ये मेरा खेत है, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। इसी प्रकार से ये पूरा संसार किसका है, भगवान का ही है। तो भगवान के आदेश अनुसार यदि हम सेवा करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे वो फल, और भगवान का आदेश जानने के लिए हमें सद्गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा, जो गुरु मुक्त आत्मा है, जो भगवान के संपर्क में है डायरेक्टली, उनके आश्रय में जाके उनके अनुसार काम करेंगे तो वो अकर्म है और वही उत्तम कर्म है। तो सर्वोत्तम कर्म है अकर्म, यानी भगवान की भक्ति करना, उससे कोई कर्म बंधन नहीं होगा, बल्कि कर्म से मुक्ति मिलेगी हमको। उससे और कम है कर्म करना, तो यह है पुण्य कर्म, शास्त्र में जो बताया गया उसको करने से हमें पुण्य फल मिलता है और स्वर्ग लोक जाने का मौका मिलता है। और सबसे खराब है शास्त्रों के खिलाफ काम करना, यानी पाप कर्म करना, उससे हमें पाप मिलता है और जन्म मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं, नरक जाना पड़ेगा, उसको भोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज का कर्म के नियम या कर्म के विचित्रताएं आज हमने चर्चा किए। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट समय है। तो बहुत सारे भक्तों ने हरे कृष्णा बोला है, अर्पित जी हरे कृष्णा, दीपक पंत जी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, कृष्ण प्रपन्न दास हरे कृष्णा प्रभु, कृष्ण प्रपन्न प्रभु मुंबई से हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। भजन मार्ग हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, आई एम नॉट एबल टू चैंट प्रॉपरली, हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न, तो अच्छा है कि जप करना कैसे और अच्छे से जप करें, तो इसके लिए अच्छा है भक्तों का संगति करना। अकेले बैठ करके जप करना बहुत मुश्किल है, अभी लॉकडाउन का समय या कोरोना का समय और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें भी बेस्ट है, देखो पहला ऑप्शन है कि आप यदि स्वयं मंदिर जा सकें, भक्तों का संग कर सकें, उनके साथ बैठ के जप कर सकें, तो बहुत आसान हो जाएगा जप करना। और यदि ये नहीं कर सकते तो आजकल जूम जपा क्लासेस भी होती हैं, कई लोग जूम के माध्यम से एक जपा रूम बनाते हैं और सारे लोग सुबह के टाइम उसमें जुड़ जाते हैं और कैमरा के सामने बैठ के, यानी आप मॉनिटर्ड हो रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से आप जप कर सकते हो। ठीक है, हाँ शुरू में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, सॉरी। दीपक पंत जी हरे कृष्णा, आपका प्रश्न, बट प्रभु जी कृष्ण ने कहा जो मेरे शरण में आ जाते हैं
मैं उसके सब पाप मुक्त कर लेता हूँ। हाँ तो ये अच्छा पॉइंट है, जो कृष्ण के शरण में आ जाते हैं भगवान कृष्ण उनके सारे पाप मुक्त कर देते हैं, तो इसीलिए चलो हम फिर से पाप करते हैं, है ना। तो ये बद्ध जीव का विचार इस प्रकार से गलत विचार है। भगवान कृष्ण के शरण में जाने का मतलब ये है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, मैं भगवान का शरण ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि आज के बाद भगवान जो बोले हैं वही करूँगा, मैं उसके खिलाफ काम नहीं करूँगा। तो भगवान के शरण में जब जाते हैं तो इस शर्त पे भगवान हमें सभी पापों से मुक्त करते हैं, शर्त ये है कि आगे से तुम पाप नहीं करोगे। तो इसको दीक्षा बोलते हैं, जब गुरु के आश्रम में हम जाते हैं और जब हम योग्य हो जाते हैं तो दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा के समय हम गुरु को प्रतिज्ञा करते हैं भगवान के सामने, नारायण के सामने, अग्नि के सामने और बाकी सभी वैष्णवों के सामने हम गुरु को प्रतिज्ञा करते हैं कि गुरु महाराज आज के बाद मैं कोई प्रकार का मांसाहार नहीं करूँगा, मैं कोई प्रकार का अवैध संग नहीं करूँगा, मैं कोई प्रकार का नशा नहीं करूँगा और कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलूँगा, इसके अलावा मैं हर रोज नियमित 16 माला का जप बहुत ध्यान से करूँगा। तो ये सब प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं दीक्षा के समय, तब जो है आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद आपको पाप द्वारा नहीं करना है। यदि उसके बाद दीक्षा होने के बाद भगवान के शरणागति लेने के बाद यदि हम पाप करते हैं तो वो और गंभीर हो जाता है, उसको अपराध के रूप में माना जाता है। जानबूझ के तुम फिर से पाप कर रहे हो इस भरोसे कि मैं तुमको फिर से माफ़ करूंगा, तो उससे मुक्त होने के लिए और अधिक प्रयास करनी पड़ती है, गुरु से क्षमा मांगनी पड़ती है, भगवान से और क्षमा मांगनी पड़ती है, अधिक जप करना पड़ता है, तो उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो आपका विचार सही है, भगवान मुक्त करते हैं लेकिन ये शर्तें लागू हैं। अनिल बिष्ट जी हरे कृष्णा, अजय कुमार ब्रह्मा प्रभु जी हरे कृष्णा, आई होप कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, काफ़ी समय से बात नहीं हुआ आपसे। वर्ण व्यवस्था से कोई कैसे मुक्ति पा सकता है प्रभु जी, कृपया करके बताएं। हाँ, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना, जैसे कि मैंने श्रीमद् भागवत से श्लोक बताया आपको, वर्णाश्रमचारवतः पुरुषेण परपुमा विष्णुर आराध्यते पुंसाम नान्य तत्तोषकारिणा। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अलग अलग गुणों के अनुसार जन्मा है या अलग अलग नेचर्स के अनुसार बटा हुआ है वो अलग वर्णों में, तो उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ये है वर्ण व्यवस्था। दो प्रकार के वर्णाश्रम होते हैं, एक होता है दैवी वर्णाश्रम और एक होता है आसुरी वर्णाश्रम। जब वर्ण और आश्रम पालन करते हैं भगवान को केंद्र में रख करके तो उसको दैवी वर्णाश्रम कहा गया है, यानी दिव्य है ये, भगवान की भक्ति के उद्देश्य से किया गया वर्णाश्रम। लेकिन जब नास्तिक विचारों के साथ वर्णाश्रम का हम अभ्यास करते हैं, जो कि आज के समाज में हो रहा है, आज के समाज में चारों वर्ण और चारों आश्रम हैं लेकिन अलग नामों से जाने जाते हैं। ब्राह्मण समाज आज भी हैं, उनको बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली वर्ग के नाम से जानते हैं हम, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करने वाले हैं, या जो टीचर्स हैं, इस प्रकार के लोग हैं वो ब्राह्मण विचारधारा के हैं। क्षत्रिय जो हैं वो हमारे जो योद्धा लोग हैं या जो हमारे शासक हैं, देश का शासन करते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्षत्रिय नाम से नहीं जाने जाते लेकिन वो क्षत्रिय का कार्य ही कर रहे हैं। वैश्य जो जितने हमारे बिजनेसमैन हैं वो सब वैश्य के, या कृषि गौ रक्षा करते हैं वो सब वैश्य के अंतर्गत, और जितने भी सर्विस क्लास हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर नौकरी कर रहे हैं, ये सभी शूद्र कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं 25 साल की उम्र तक, वो सब ब्रह्मचारी आश्रम पालन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद शादी करने के बाद गृहस्थ आश्रम हो गया, उसके बाद रिटायर्ड होते हैं तो वानप्रस्थ लेना चाहिए, आजकल लेते नहीं हैं, और अंत में संन्यास, तो वानप्रस्थ संन्यास ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। लेकिन चारों वर्ण चारों आश्रम आज भी हैं, जब वो भगवान में केंद्रित नहीं है, जब वो नास्तिकता में केंद्रित है, तो उसी को आसुरी वर्णाश्रम कहा गया है। तो यदि हम दैवी वर्णाश्रम का पालन करते हैं तो मुक्ति का उपाय है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही था भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और अपने धर्म पालन कर, साथ में शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनना। आप किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रम में रहते हुए अपने धर्म पालन करें लेकिन साथ साथ में भगवान के कथाओं को सुनना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे हम वर्णाश्रम से भी ऊपर उठ पाएंगे और मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। मयूर प्रभु हरे कृष्णा रेणुपना,
अर्पित बोल रहे हैं, वापस नहीं आना यहाँ, इसके लिए क्या करें प्रभु जी? यदि यहाँ वापस नहीं आना तो भगवान की शुद्ध भक्ति करें आप। अभी तो समय ख़त्म हो रहा है, मैंने पिछले वीडियोस में दो वीडियो हैं, शुद्ध भक्ति पार्ट वन, शुद्ध भक्ति पार्ट टू, आपने देखा है, फिर से देखिए उसको, ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया शुद्ध भक्ति कैसे करें। तो यदि हम ऐसे करेंगे शुद्ध भक्ति तो फिर वापस नहीं आएंगे। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी का वर्णन है, हम उसको दोहरा रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया ब्रेव चैनल पर। और अभी अगला लाइव सेशन होगा सैटरडे को, तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद्भगवद्गीता की। निताय गौर ब्रह्मानंदी, हरि हरि बोल।